एक दिन दो व्यापारी बादशाह अकबर के पास उनके दरबार में पहुंचे। उनमें से एक ने कहा, बादशाह अकबर की जय हो। जहांपनाह, मेरा नाम गोपाल दास है और मैं एक मक्खन व्यापारी हूँ। मैं बाजार में मक्खन बनाता हूँ और उसे बेचता हूँ। लगभग एक महीने पहले मेरे पास चंदूराम आया था। उसने मुझे 100 सोने की अशर्फियाँ मांगी थीं, लेकिन जब मैं उससे ये वापस उसे लेने गया तो उसने कहा कि उसे कोई पैसे नहीं लिए हैं। ये कह के वह मुझे सीधा मना कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इंसाफ करें और चंदूराम से मेरे सोने की अशर्फियाँ वापस दिलवाएं। तभी वहाँ खड़ा चंदूराम बोला, जी नहीं हुजूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोपालदास मुझसे जलता है। वह मेरे व्यापार को खराब करना चाहता है। वह मेरे व्यापार की तरक्की देख के जलता है। इस वजह से है वह मेरा नाम खराब करके मेरे व्यापार को कमजोर करना चाहता है। बादशाह अकबर ये नहीं समझ पा रहे थे कि उन दोनों में से कौन सही और कौन गलत है। ऐसे में उन्होंने ये काम बीरबल को दिया। उन्होंने बीरबल से कहा कि इस बात का पता लगाएं कि इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। इसके बाद बीरबल ने गोपाल दास को अपनी बात कहने को कहा और उससे पूछा, क्या हुआ था उस दिन गोपाल दास, से सब कुछ विस्तार में बताओ। लगभग एक महीने पहले शाम के समय जब सब अपना दुकान बंद करके घर वापस जा चुके थे, तब मैं भी अपना सामान समेटकर दुकान को बंद करने की तैयारी कर रहा था। तभी मेरे पास चंदूराम आया। हम दोनों में अच्छी बात हुई, क्योंकि वह मेरा एक दोस्त है। इसी के चलते हमने एक दूसरे से बातचीत की। बातचीत के दौरान ही चंदूराम रामदेव मुझसे कहा कि उसे घी के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, इसीलिए वह मुझसे 100 सोने की अशर्फियां मांगने लगा। मैंने उसे मदद के लिए वह सोने की अशर्फियां उसे तुरंत ही अपनी अलमारी से निकाल के दे दी और इसके बाद वह वहां से चला गया। लेकिन कल जब मैं उससे वह सोने की अशर्फियां वापस मांगा तो वह मुझसे कहने लगा कि उसने कोई भी अशर्फी नहीं ली है और उसने मुझे अपनी दुकान से भगा दिया। गोपाल दास ने ये सब बीरबल को बताया। अच्छा, तो यह बात है, बीरबल ने कहा। इसके बाद बीरबल ने चंदूराम को कहने का मौका दिया और उसे सारी बात बताने को कहा। चंदूराम ने बताया, हुजूर, गोपाल दास मेरे दुकान पर आता रहता है। क्योंकि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए वह दुकान में आता रहता था। एक दिन उसने देखा कि मेरे दुकान में लोगों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। उसने देखा कि मेरे व्यापार में वृद्धि हो रही है और ये देख उसे जलन होने लगी। उसने एक झूठी कहानी बनाई कि उसने मुझे 100 सोने की अशर्फियां दी हैं और ये बात वह लोगों को बताकर मुझे बदनाम करने लगा ताकि मेरे व्यापार खराब हो जाए। हुजूर, मैंने इसकी एक भी अशर्फी नहीं ली है। दोनों की बात सुनकर बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि दोनों में से ही कोई एक झूठ बोल रहा है। बीरबल उसका पता लगा के रहेंगे कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। बीरबल अपने घर वापस आकर एक जगह बैठ के सोचने लगे कि आखिर क्या किया जाए जिससे ये पता लग सके कि इसमें से सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ। ऐसे में उन्होंने दोनों के बारे में जानने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने घर के एक नौकर रामू को बुलाया और उसे बाजार जाने को कहा। बीरबल ने रामू से कहा, रामू, तुम बाजार जाओ और गोपाल दास और चंदूराम के बारे में सारी जानकारी लेकर आओ। रामू बाजार की ओर गया और वहां लोगों से बातचीत की। दोनों के बारे में जानकारी जुटाने के बाद वह घर वापस आया और बीरबल को सारी बात बताई। रामू ने बीरबल को बताया, मालिक, दोनों में से गोपाल दास सबसे ज्यादा ईमानदार है और लोग चंदूराम के साथ व्यापार करना पसंद नहीं करते क्योंकि वह कई बार लोगों के साथ बेईमानी कर चुका है। ये सब सोचने के बाद बीरबल ने एक तरकीब सोची और उन्होंने दो पोटलियां लाई।
उन पोटली में उन्होंने घी डाला। घी डालने के बाद उन्होंने एक पोटली में सोने का सिक्का डाला और दूसरी में भी सोने का सिक्का डाला। इसके बाद उन्होंने रामू से कहा, रामू तुम एक व्यापारी की तरह उन दोनों के पास जाओगे और ये घी बेचकर आओगे। उसके बाद तुम वही बाजार में ही रहना और देखना कि कौन आके तुम्हें इस सोने के सिक्के को वापस लौटाता है। रामू ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने उसे कहने करने को कहा। रामू बाजार गया और जाके सबसे पहले उसने घी को गोपाल दास को बेचा, फिर उसने बाद में उसे जाकर चंदू राम को भी बेचा, फिर वह बाजार में ही रहा। अगले दिन बीरबल बादशाह अकबर के सामने सब पधारे। गोपाल दास और चंदू राम भी वहाँ थे। बीरबल ने बादशाह अकबर को तुरंत बताया कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चंदू राम ही है। यह सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो बीरबल क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम किस वजह से चंदू राम को झूठा कह रहे हो? बादशाह अकबर के इस सवाल का जवाब बीरबल ने दिया, जहां पना कल मैंने रामू को एक काम सौंपा था और मुझे पता चला कि गोपाल दास ने मटके में रखा हुआ सोने का सिक्का रामू को ईमानदारी के साथ वापस कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ इस चंदू राम ने ऐसा नहीं किया। उसने वह सिक्का अपने पास ही रख लिया। इससे यह साबित होता है कि चंदू राम एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति एक सोने के सिक्के को लेकर लालच दिखा सकता है तो 100 सोने के सिक्कों के लिए बेमानी तो कर ही सकता है, इसीलिए चंदू राम झूठ कह रहा है। यह सुनने के बाद बादशाह अकबर ने चंदू राम की सजा दी और वह 100 सोने के सिक्के गोपाल दास को वापस करे और उसके साथ साथ और 100 सोने के सिक्के भी गोपाल दास को दे, क्योंकि उसने गोपाल दास को परेशान किया था। यह सब हो जाने के बाद बादशाह अकबर ने फिर से बीरबल की तारीफ करी और इस तरह से गोपाल दास को न्याय मिला एक ईमानदार व्यापारी का।